बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसके जो प्रोविजंस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको आर्टिकल्स क्यों कहते हैं, और जब लॉ पढ़ते हैं तो हम उसको सेक्शन कहते हैं। तो डिफरेंस ये है कि जो ग्रैंड नॉर्म डॉक्यूमेंट्स होती हैं, यानी जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है या मुल्क की होती है, उसे हम उसको हम जब भी प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं तो उनको आर्टिकल्स कहते हैं, सेक्शन नहीं कहते। लॉज जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट ने बनाए होते हैं, उनको हम एक्ट कहते हैं, और उनकी जो डिस्टिंक्ट प्रोविजंस हैं उनको सेक्शन कहा जाता है। तो डिस्टिंक्ट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कहलाती हैं, डिस्टिंक्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ यानी एक्ट और ऑर्डिनेंस की जो डिस्टिंक्ट प्रोविजंस हैं उनको सेक्शन कहा जाता है। तो लॉज जो होते हैं वो ग्रैंड नॉर्म डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रैंड नॉर्म डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का, इसलिए उनको आर्टिकल्स कहते हैं। इसी तरह जब कोई कंपनी बनती है तो उसके भी जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं उनको जब पढ़ते हैं तो उनको आर्टिकल ही कहा जाता है, उनकी डिस्टिंक्ट प्रोविजन को आर्टिकल ही कहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।